इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। कि लोग आज के दिन उधार से भी काम चला रहे हैं, कि घर नहीं है अनाज तो पड़ोसी दे देता है, साथी दे देता है, दोस्त दे देता है, तो मैं समझता हूँ भाईचारा भी इससे बढ़ रहा है। आठ नवंबर 2016 के बाद का हिंदुस्तान कुछ ऐसा दिखता है और ऐसा ही कुछ हाल हरियाणा का है, जहां नोटबंदी ने आम आदमी को बंदी बना लिया है। रोजी रोटी, काम धंधा, रोजगार, दफ्तर सब छोड़ बैंकों की कतार में देश खड़ा है। रुपया रुला रहा है, कैश की कसमकस में जनता बैंकों से दो दो हाथ करने को मजबूर है। टूटते सब्र के बीच बैंकों की मनमानी का दर्द भी आम जनता झेल रही है। आलम ये है कि कैश की तंगी में देश उधारी पर चल रहा है और मोदी के मंत्री इसी उधारी में भाईचारा ढूंढ रहे हैं। चूल्हे की तो बात यह है कि लोग आज के दिन उधार से भी काम चला रहे हैं। लोग जो ह्यूमन काइंड होती है, एक दूसरे की मदद करने की जो परंपरा हमारे देश के अंदर है, वो आज के दिन चल रही है। जिसके घर नहीं है अनाज तो पड़ोसी दे देता है, साथी दे देता है, दोस्त दे देता है, तो मैं समझता हूँ भाईचारा भी इससे बढ़ रहा है। काले धन के खिलाफ नोटबंदी के सबसे बड़े फैसले के बाद देश में आज भी कैश का संकट बरकरार है। नोटबंदी के 28वें दिन भी बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कैश के लिए देश में मारामारी मची है। 2 जून की रोटी कमाना दूभर हो गया है। छोटे कारोबारियों के धंधे पर मंदी की मार पड़ी है, तो चूड़ियों की नगरी फिरोजाबाद में 80% कारोबार ठप हो चुका है। बावजूद इसके बीजेपी के मंत्री कैश की लाइनों में उधारी के भाईचारे से जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। ये है राव इंद्रजीत सिंह, जो यूपी में परिवर्तन रैली करने गए थे और इसी रैली में राव ने लाइनों में लगे लोगों पर बेतुकी दलील दे डाली। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बैंक और एटीएम से पैसे न मिलने की वजह से जिन घरों के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, वो दूसरों से उधार लेकर काम चला रहे हैं। इस उधारी के चलते देश में भाईचारा बढ़ रहा है। नोटबंदी से लोगों को दिक्कत जरूर है, लेकिन उधारी और लेन देन की वजह से इससे आपसी मेल मिलाप और भाईचारा भी बढ़ रहा है। चूल्हे की तो बात यह है कि लोग आज के दिन उधार से भी काम चला रहे हैं। लोग जो ह्यूमन काइंड होती है, एक दूसरे की मदद करने की जो परंपरा हमारे देश के अंदर है, वो आज के दिन चल रही है। जिसके घर नहीं है अनाज तो पड़ोसी दे देता है, साथी दे देता है, दोस्त दे देता है, तो मैं समझता हूँ भाईचारा भी इससे बढ़ रहा है। कतार में खड़ा देश इस वक्त कैश की किल्लत से राहत की उम्मीद लिए बैठा है, तो मोदी के मंत्री ने अपने बयान से नई बहस छेड़ दी है। अब जरा नोट और चोट झेल रहे देश और प्रदेश में जरा मंत्री जी के कथित भाईचारे की तस्वीर देखिए। मंडी डबवाली के गांव कालवाना में बैंक में 10 दिनों से कैश नहीं मिलने से कई गांवों के लोगों ने धरना दिया। सुबह से लगी कतारों में लगे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बैंक प्रशासन ने खुद कहा कि 24 नवंबर के बाद बैंक में 1 रुपया भी नहीं पहुंचा। कैश की आफत में भाईचारा कहां है? कैश न मिलने पर लोगों ने लोहारू रोड जाम कर दिया। बैंक कर्मियों पर आरोप है कि केवल चहेतों को कैश दे रहे हैं, तो क्या ये भाईचारा है? उधारी के भाईचारे की जरा ये तस्वीर भी देखिए। फतेहाबाद में वर्दी वालों से उलझती जनता, क्या ये भाईचारा है? उधर पटौदी में भी कैश से परेशान लोगों ने रोड जाम कर दिया। भीड़ को देख बैंक कर्मी ताला लगाकर भाग गए, क्या ये भाईचारा है? और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली तस्वीरें तो उकलाना से आई, जहां बैंकों में कैश न मिलने से परेशान लोगों ने बैंक में ताला जड़ दिया और अधिकारियों को 2 घंटे बंधक बनाए रखा। बैंक को ताला जड़ने में महिलाएं सबसे आगे रहीं और सरकार को कोसती रहीं। यहां बीजेपी का भाईचारा ढेर हो गया। लोग परेशान हो रहे, समस्या इतनी बढ़ रही है कि लोगों के पास रोटी खाने के लिए नहीं मिल रही।
लाइन में लगते हैं, दो दिन दिहाड़ी करता करी मजदूर, तीसरे दिन बैंक ये लाइन में लगता है, फिर कैश खत्म हो जाता है, रोटी कहाँ से खरीदे लोग। मैनेजर साहब घपला कर रहे हैं बिल्कुल, इस पर लेके दे दे कैश, सच्चाई है इसमें कहीं को वाले। पीएम मोदी देश की जनता से काले धन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपील कर रहे हैं। करीब महीने भर बाद भी कैश की किल्लत कम नहीं हुई है, लेकिन लोगों की मुसीबत ठीक करने के बजाय नेता बयानबाजी कर रहे हैं। बयान भी ऐसा जो जले पर नमक जैसा लगे। राव इंद्रजीत का ये पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले वो चंडीगढ़ में बैठे अपनी ही सरकार के लोगों को दो कौड़ी का बताकर चर्चा में रहे हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। बेतुके बोल के बाद शाह सिर्फ राव इंद्रजीत नहीं है, बल्कि केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी के कई ऐसे मंत्री हैं जो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए बेतुके बयानों को ढाल बनाने में लगे हैं। इधर देश में नोटबंदी की चर्चा है तो हरियाणा में जेल सुरक्षा का मामला उस वक्त गर्मा गया जब सीपीएस श्याम सिंह राणा ने जेलों में मिलने वाले मोबाइल और सिम कार्ड्स को मामूली बताया। सीपीएस कह रहे हैं कि जेलों में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, राह चलते भी लोग मोबाइल और सिम कार्ड जेल में फेंक देते हैं। मोबाइल एक ऐसा सिस्टम है, कई बार सिम का झगड़ा जो है चलते चलते द्वार के ऊपर से गिरा देते हैं, वो भी हमारे ध्यान में है, लेकिन ये सारा सख्ती से बंद होगा। देखिए घटनाएं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन सरकार पूरी तरह से सचेत है। हमारे यहाँ हरियाणा में पूरा साउंड है। इन अजब नेताओं के गजब बयान के बाद सवाल ये उठता है कि जेलों में मोबाइल और सिम कार्ड्स मिलना आम बात है तो इन नेताओं के लिए आखिर गंभीर क्या है? क्या बीजेपी के मंत्रियों को जनता की बेबसी दिखाई नहीं देती? क्यों लाइन में खड़ी जनता के बीच उधार का भाईचारा ढूंढ रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह? क्या मंत्री की बेतुकी दलील गैर जिम्मेदाराना नहीं है? क्यों जेल सुरक्षा पर बार बार झूठा दावा किया जाता है? और सवाल ये कि क्या सरकार के मंत्री अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश में हैं? सिस्टम सुधारने का दावा करने वाले मंत्री खुद को कब और कैसे सुधारेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कि लोग आज के दिन उधार से भी काम चला रहे हैं, घर नहीं है अनाज तो पड़ोसी दे देता है, साथी दे देता है, दोस्त दे देता है, तो मैं समझता हूँ भाईचारा भी इससे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल मुद्दा है आज यही है कि सिस्टम को सुधारने वाली बातें करने वाले ये नेता, ये मंत्री खुद को कब सुधारेंगे? ये आज मुद्दा का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से ये जितने बड़े ओहदे पर हैं, उतनी ही गैर जिम्मेदारी से ये जिस तरह से बयान देते हैं, यकीनन एक आम इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इन्हें सत्ता क्या सोच कर दी थी और इन्हें उस कुर्सी पर बिठाया क्या सोच कर है। क्या ये सिस्टम देंगे हमें? क्या ये बदलेंगे भविष्य? क्या ये अच्छे दिनों की बात करेंगे? जाहिर तौर पर ये बड़े सवाल है, क्योंकि बात सिर्फ एक मंत्री की नहीं है, एक बेतुके बयान की नहीं है, ये बात इनकी मानसिकता की भी है। अगर ये मानसिकता से इस तरह से बात करेंगे तो कौन से अच्छे दिनों की हम उम्मीद कर रहे हैं, कौन से सिस्टम बदलने की हम बात कर रहे हैं, कौन से अपार्टी विद डिफरेंस की बात कर रहे हैं? बड़े सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। बात सिर्फ राव इंद्रजीत के बयान की नहीं है जो ये भाईचारा सिखा रहे हैं उन लोगों को जो एक महीना होने को आया है तकरीबन अपने पैसों के लिए पूरा देश लाइन में खड़ा है, और यकीनन ये किस तरह का भाईचारा सिखा रहे हैं। और बात वो सीपीएस श्याम सिंह राणा की भी है जो सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त पर जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बातें करते हैं, हम इंटरनल सिक्योरिटी की बातें करते हैं, और उन्हें जेलों में मिलने वाले मोबाइल और सिम कार्ड छोटी मोटी घटनाएं लगती हैं। तभी तो ये छोटी छोटी घटनाएं जब इन नेताओं के लिए छोटी लगती हैं तो आम इंसान इनके लिए बहुत ही छोटा हो जाता है। तो अच्छे दिन और बदलाव कैसे आएगा, यही मेरे मुद्दा का आज बड़ा सवाल है। सुरेंद्र स्वामी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ, अनु चौधरी है बीजेपी से, दलबीर धनखड़ है इनेलो से, और खजान जी है कांग्रेस से। सभी का स्वागत है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आप अपनी कमजोरियां, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, और आप बिल्कुल भी किसी मुद्दे पर गंभीर नहीं है, तो आप गंभीर मसलों पर अगर गंभीर नहीं है तो जनता को आप क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं? जाहिर तौर पर यह सवाल एक आम इंसान के जहन में जरूर उठते हैं, जो आज सवाल मैं कर रही हूं। स्वामी जी, आपसे शुरुआत इसलिए करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है
कितने गंभीर हैं ऐसे गंभीर विषयों पर? नहीं देखिए, मैं इसको एक दूसरे रूप में देखना चाहता हूँ। क्या होता है कि एक परेशानी है और परेशानी इस पार्टी की नोटबंदी से सबके सामने है। लोगों को मुसीबतें हो रही हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लाइनों में खड़े होना पड़ रहा है। तो जब कोई नेता बयान देता है तो वो ऐसे ही नहीं देता है, वो बयान में एक मैसेज देता है। मैसेज ये है कि भाई मुसीबत है, परेशानी है, लोग मिलजुल के काम करो, एक दूसरे की मदद करो। यहाँ कौन सा मैसेज देने की कोशिश वो कर यही रहे हैं? यही मैसेज है इंद्रजीत, और वो भाईचारे की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। नहीं, अगर आप उधारी में भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से स्वामी जी, आई डोंट अग्री विद यू ऑन दिस। आप मैसेज एक जरूर दे रहे हैं, मैसेज आप ये दीजिए कि आप थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा संयम रखिए, मिलजुल के रहिए, और सिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ में आता है। आप ये कह रहे हैं कि उधारी से भाईचारा बढ़ रहा है, ये मेरी समझ से परे की बात है। नहीं जल्दी से, हाँ मैंने यही कहा कि वो एक तरीका है कहने का कि भाई एक परेशानी है। अब आप एक तो ये कह सकते हैं हाँ जी परेशान है, लोग हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप उसको दूसरे ढंग से देखिए, वो रूलिंग पार्टी के हैं, वो उसको इस ढंग तो से कह रहे हैं कि भाई और जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ना स्वामी जी। वो गैर जिम्मेदार बयान कैसे दे सकते हैं? वो ये कह सकते हैं कि पूरी कोशिश में हम सिस्टम बनाने के तो, लिए लगे हुए हैं। उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है ना, उससे उधारी का भाईचारे से कौन सा नहीं, उधारी से मतलब एक दूसरे की मदद करने से, कि ऐसे बुरे टाइम में जब ये सबका हाल हो रहा है तो एक बुरा टाइम तो है ही है। या तो आप ये कहिए, यही मैं समझ वही मैं कह रहा हूं, अगर ये बुरा टाइम में आप एक दूसरे की मदद कीजिए। आया कैसे, लाया कौन, और इस बुरे टाइम से उभारेगा हम उभरेंगे कैसे, ये बड़े सवाल हैं। वो तो कौन सा, अगर आप मैसेज की बातें कर रहे हैं तो श्याम सिंह राणा ये छोटी मोटी घटनाओं के जरिए कौन सा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? और राव इंद्रजीत जब चंडीगढ़ में बैठे लोगों को दो कौड़ी का बता रहे थे तब वो कौन सा मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? मैं उन बातों पे नहीं, मैं जो आज का विषय है सारा है स्वामी जी, आज का विषय देखिए, आप एक इशू को डिफेंड करने की बजाय हम पूरे बयान नहीं, हम को श्याम नहीं कर सकते। हाँ, हम पूरे श्याम, बयान को हम श्याम सिंह जी जो है सीपीएस उसकी बात कम नहीं, बात वही वो है नहीं कर रहे आप एक ओहदे पर नहीं, वो एक लाइन ऑर्डर में जेल में दे सकते हैं। आप एक ओहदे पर बैठ के गैर जिम्मेदार बयान कैसे दे सकते हैं? एक सिचुएशन है, नोटबंदी हुई है, परेशानी है, समझ में आ रहा है, लेकिन इंतहा हर चीज की है। खजान जी जल्दी से, देश का जो विकास है उसको नोटबंदी ने बंदी बना लिया, विकास बंदी कर दिया इस देश की। और जो जिस तरीके से सरकार बीजेपी की फेल हो गई थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का गुब्बारे की हवा निकल गई थी, तो उन्होंने सडनली एक सनकी फैसला लिया। ये सनकी फैसला है और पूरे देशवासियों को इतनी परेशानी में डाल दिया कि 100 से करीब ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं। वो जो 100 लोग मरे हैं आज तक के आज़ादी के इतिहास में कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी भी सरकार ने ऐसा जन विरोधी फैसला नहीं लिया कि आदमी मरे। मेरा जो मुद्दा है ना वो गैर जिम्मेदाराना बयान पर है कि आप एक ओहदे पर बैठ के आप क्या बयान दे रहे। नोटबंदी कितनी इफेक्टिव है कितनी नहीं होगी वो आने वाला वक्त बताएगा, उस पर हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। एक महीना हो गया, उसके आफ्टर इफेक्ट आगे देखने को मिलेंगे, उसको उस पर छोड़ते हैं। नवजोत जी देखिए, जो माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी है वो तो एक्सपर्ट हैं बयानबाजी के, उनका तो क्योंकि उन्होंने अच्छे दिन आए हुए हैं उनके, और 3.5 साल तक अच्छे दिन रहेंगे, उसके बाद ये इसी सरकार को इतनी भद्दी भद्दी या गालियां देंगे, इनकी आदत में शुमार है ये। क्योंकि ये कहते हैं जब ये बाहर आ जाते हैं तो कहते हैं मैं इस क्षेत्र की लड़ाई लड़ूंगा, और जब ये अंदर होते हैं, जब पावर में होते हैं, तो ये भूल जाते हैं अब मैं पावर में हूँ। मैं उसी बात पर हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ। ये बयान देने में इनकी कलाकारी है, और इस कलाकारी के कारण 50 साल से इस क्षेत्र के साथ 50 साल से इनके वजह से सारा जितना भी इस क्षेत्र के साथ अगर कोई दुभात हुई है या सौतेला व्यवहार हुआ तो सिर्फ और सिर्फ उसके जवाब इंद्रजीत सिंह। बयान नोटबंदी के बाद इंद्रजीत जी के दो बयान आए, एक तो जो उधार में भाईचारा बढ़ाने वाली बात है, एक इन्होंने कहा था आपको ध्यान होगा तो भाई गरीब आदमियों के खाते में पैसे आप डाल सकते हो, अमीरों के लिए ने एक मैसेज दिया था शायद आपको ध्यान है, नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं अच्छी तरह पढ़ा था वो अच्छी तरह सुना था। इन्होंने कहा था अपने इलाके में भाई मैं लोगों को कहता हूँ गरीबों के खातों में डाल दो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा और ये भला होएगा, एक और बयान दिया था इन्होंने। अगले ही दिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी
अमीर लोग ध्यान से सुन लो, किसी गरीब के खाते में कोई पैसा नहीं डाल देगा। बड़े सख्त शब्दों में कही थी, सजा का प्रावधान है। मैं तो एक बात मेरी समझ में भारतीय जनता पार्टी की नहीं आती, ये कहना क्या चाहते, करना क्या चाहते, कौन क्या बोल जाता, कोई कहीं भी कोई किसी तरह का सिस्टम ही नहीं इस पार्टी में। अनुशासन की बात करेंगे तो कोई आपको नहीं आएगा। मैं एक और याद दिलाना चाहूंगा, 150 करोड़ रुपया गुड़गांव का जब उधार दिया था फरीदाबाद को, ये वही राव इंद्रजीत जी हैं, इन्होंने कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुड़गांव का भट्टा बैठा रहे हैं, उधारा पैसा क्यों दिया, हम भी उसके खिलाफ थे, आज तक वो पैसा नहीं लौटाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तकरीबन 2 साल से ज्यादा हो गए, वो पैसा अभी भी नहीं आया है। मैं इंद्रजीत जी के एक बयानों से बड़ा मतलब आश्चर्यचकित होता हूं, ये कहना क्या चाहते हैं और क्या कह जाते हैं, बाद में पलटी क्यों मारते हैं। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व पलटी मारने का है। आपको ध्यान होगा चंडीगढ़ की बात आपने उठाई, चंडीगढ़ की बात इन्होंने कही थी, 2 कौड़ी के बाबू जिनको पॉलिटिशियन को बोला था और आज के हाजिर सीएम को बोला था, शाम होते होते जब आप जैसे लोग पीछे इनके पड़े, क्या आप इस सरकार से भी नाराज हैं। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो पिछली सरकार की बातें कर रहा हूं। और नवजोत जी मैं आपको बताऊंगा, एक हैरानगी होगी, चौधरी खजान सिंह यहां बैठे हैं, कांग्रेस के समय में जब निगम बना था यहां, पूरी की पूरी टीम, निगम की पूरी की टीम जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, सबकी सब टीम इन्होंने बनाई थी। उसके बाद जैसे भाजपा में गए सारे के सारे शिफ्ट हो गए थे। आज गुड़गांव की स्वामी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, गुड़गांव की जो हालत है, सबसे बड़े दोषी हैं तराव इंद्रजीत जी हैं, क्योंकि 5 के 5 साल राज जो आया है निगम में वो इंद्रजीत जी का रहा है। बड़ा सवाल अनु चौधरी, मैं उनके बयानों पर वही बात कही, बयान इनके ऐसे होते शाम आते ऐसे पलटी कर जाते हैं। और दक्षिण हरियाणा का जो हाल है वो इनकी वजह से, जब आप एक मंत्री हैं और आप एक जिम्मेदार चेयर पर बैठे हैं, आप एक पद पर बैठे हैं, जिम्मेदार हैं, और आपके बयान एक मैसेज, जिस तरह स्वामी जी ने भी कहा कि कोई भी अगर एक जिम्मेदार इंसान है वो एक जगह बैठा है और उसका कोई भी बयान आता है वो एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता है, इस तरह का जो बयान है वो क्या कन्वे करता है? वो भले ही हम सीपीएस श्याम सिंह राणा की बात करें, वो भले ही हम राव इंद्रजीत की बात करें, कौन सा मैसेज कन्वे करने की बात कर रहे हैं, कौन सी छोटी मोटी घटनाएं अगर ये नजरअंदाज कर रहे हैं, श्याम सिंह राणा तो सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है, मेरी समझ से परे की बातें हैं, जबकि अभी उससे कुछ दिन पहले इतना बड़ा जेल ब्रेक हुआ था और इतना बड़ा कांड होके हटा था, और उसके बाद राव इंद्रजीत उधारी का भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राव इंद्रजीत जी हमारी पार्टी के बहुत ही बड़े नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, तभी तो सवाल से बड़े हैं। पुरानी को सवाल गलती से मत कह देना, तभी तो सवाल कल्पना कर लो, मैंने पुराने मत कह देना, छोड़ तो लो, क्या बोल रहे हो, पुराने मत कह देना, बड़े तो हैं पुराने मत कह देना, बड़े नेता हैं तभी तो सवाल भी बड़ा है, बिल्कुल तभी तो जिम्मेदारी भी बड़ी है, और उतनी गैर जिम्मेदारी से बयान देते हैं, जुड़े हुए वो गांव से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत ही सादे मन से ये बयान दिया है, क्योंकि देखिए गांव में जो है पहले इतना कैश नहीं होता था, अक्सर गांव में अनाज बेसिकली अनाज है किसानों का, हमारे गांव का जो प्रोफेशन है, तो जब अनाज एक खेत में एक किसान अनाज गेहूं पैदा कर रहा है, एक बाजरा पैदा कर रहा है, तो जो भी लेन देन होता था वो अनाज के जरिए होता था, मसाले या पनीर की बातें कर रहे हैं आप, कौन जमाने की बातें सिस्टम की अनु चौधरी बातें कर रहे हैं, बहुत सादे मन से, और ये बहुत मुझे नहीं पता कितना सादा है कितना सादा नहीं है, क्योंकि मुझे इस खाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने पहले स्टार्टिंग में कहा, रुक अनु वेट, आपने बहुत स्टार्टिंग में कहा राव इंद्रजीत हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता है, ऑफकोर्स है, बिल्कुल है, बड़े नेता है इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी भी है, उतनी ही गैर जिम्मेदारी उनकी उनके बयानों में नजर आती है, मुझे समझ में नहीं आता उधारी का कौन सा भाईचारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं राव इंद्रजीत। मैं उसे क्यों क्लियर कर रही हूँ कि जो मैंने सुना है जिस तरीके से वो रिलेट कर रहे हैं बातों को, ये थोड़ा सा अगर आप दूसरे नजरिए से देखें, नजरिया अपना अपना होता है सबका, क्यों लेकिन क्यों आप लोगों को इतना नजरिया लोगों को समझाने की जरूरत पड़ती है स्वामी जी, जब एक नेता बयान देता है क्या उसके नजरिए को भी समझाने की अब लोगों को जरूरत पड़ेगी? व्हाई कांट यू जस्ट आप सिंपल तरीके से क्यों नहीं बता सकते? चलिए दलबीर जी जल्दी से उनको जवाब पूरा कर ले। उनका तात्पर्य ये है कि आपस में एक दूसरे की सहायता करना, ये कहां से गलत बयान हो गया? एक दूसरे की हेल्प लेना कहां से गलत बयान हो गया? आप पूरी इंटरप्रिटेशन लेकर आई हैं उनके बयान की। मैं इंटरप्रिटेशन नहीं कर रही हूँ, आप अपनी बात कर रही हैं और उसके बाद आप कह
कह रही हैं कि मैंने ऑब्जर्व किया उन्होंने बोला ना, मैं अपना विचार तो दूंगी जो मेरे को बयान से तात्पर्य निकल रहा है मैं वो बोलूंगी. कैन आई से अ वर्ड? ऑफ कोर्स यू कैन. आपने कहा कि मैं वो बोलूंगी जो मैंने ऑब्जर्व किया. जो मैंने बयान सुना ना. अब कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन बनाई. सो व्हाई कांट वी बी सिंपल कि हमारी एक ही ऑब्जर्वेशन सब के पास जाए. आप नेता हैं भाई, जो आपने बोला है वो करोड़ों के शब्द आए ही नहीं हैं. हम ये ऐसे बयान क्यों देते हैं जिसके इतने ऑब्जर्वेशंस निकले. लाखों का बयान में नहीं आता. लोगों ने इस बयान को इस तरह इसके से पुट अप किया ही नहीं. लाखों लोगों ने नहीं किया, गिने चुने लोगों ने बोला है. तो गिने चुने आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है. गिने चुने आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है. आई एम सॉरी, आपके ऑब्जर्वेशन तो बोलूंगी, इनके ऑब्जर्वेशन तो बोलूंगी. ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू से. जैसा मैंने आपसे कहा कि नोटबंदी के बाद स्थिति कैश को लेकर के संभली नहीं है और कैश लोगों के पास नहीं है. अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. एक हम हाँ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ. वो तो एक प्रॉब्लम सिस्टम में चल रही है अभी. नहीं, उसके जो कारण है जैसे लोगों ने लेके रख लिया है, लोगों को लगता है पता नहीं कल को क्या होगा तो वो सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है. जो भी हो मतलब वो उसमें तो एक तरह प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि मुझे 50 दिन दीजिए. नहीं, इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम को प्रधानमंत्री एड्रेस किस ढंग से कर रहे हैं, कैश क्रंच कोई कि भाई आप ई वैलेट पे जाइए, आप इंटरनेट बैंकिंग कीजिए, आप कैश छोड़ दीजिए, आप वो रखिए, आप संयम बना के रखिए. वो एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है. नहीं नहीं, देखिए ये जो टाइम तरीके की तो मैं बात कर रही हूँ. मैं यही कह रहा हूँ कि कैश नहीं के बैठ के, स्वामी जी मेरा सवाल ही वो है. नहीं, नहीं, आप जिम्मेदार पोजीशन पर बैठ के जिस पॉलिसी को आपके प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया और इतने इतनी जद्दोजहद से बहुत सारी चीजों की सफाई करने के लिए लॉन्च किया, आप उसको अब इस टाइम पे वेयर देयर इज अ क्रंच, जहां पर पता है कि उसका ऑप्शन नहीं है. हाँ, कि लोग अपना पेशेंस भी खो रहे हैं. उसका ऑप्शन नहीं है. आपके पास करेंसी नहीं है. भाईचारा का सबक देखिए, आपके पास करेंसी नहीं है. आपके पास करेंसी नहीं है और कोई आपके पास रास्ता नहीं है. तो दो ही रास्ते हैं. एक प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं कि आप जो है सारे ट्रांजेक्शन कैशलेस कीजिए, और राव इंदर जी दिखा रहे हैं कि भाई एक दूसरे की मदद कीजिए. इसमें तीन घोटाले. मदद न मदद मैं नहीं कह रही हूँ, स्वामी जी कह रहे हैं. उन्होंने उधारी का भाईचारा हमारे मोहल्ले में हो रहा है. 2000 का नोट ले आए, खुले नहीं है तो किसी पे दे रहा है. एक नोटबंदी घोटाला है, एक सोनाबंदी घोटाला है, और एक छपाई घोटाला. ये घोटाला नहीं ये तीन घोटाले नहीं है. तीन घोटाले वो है जो तीन घोटाले हैं. इसमें ये घोटाले इसमें तीन घोटाले हैं. और देश का जो जो देश का चौमुखी विकास तेजी से चल रहा था उसको लाइन से उतारने की बात है. ये जो हम उधारी के भाईचारे पर उधारी के भाईचारे की बात मैं करता हूँ. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे समझना है कि उधारी का भाईचारा कहाँ बढ़ रहा है. मैं ये समझना चाहती हूँ कि राव इंदर जी ने सहायता के लिए बैंक की इम्पोर्टेंट पोजिशन पर बैठ के आप इतनी हल्की बातें कैसे कह सकते हैं. वेयर एज लोग आपकी तरफ देखते हैं कि जब भी आप कहेंगे बहुत ही संजीदा तरीके से संजीदा इश्यूज पर कहेंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा लोगों को कंट्रोल करने के लिए. वो सीपीएस श्याम सिंह राणा की बात हो, वो राव इंदर जी की बात हो, कोई भी बात हो, कभी आप दो कौड़ी का किसी को बता देंगे, कभी आप भाईचारा उधारी का भाईचारा बता देंगे, कभी आप बड़ी बड़ी घटनाओं को छोटी मोटी घटनाएं बता देंगे, फिर आप क्लैरिफिकेशन पे चले जाएंगे. पुट एन एंड टू दिस. नवजोत जी, श्याम सिंह राणा जी की बातें करेंगे, मेरे को ये समझ में नहीं आता श्याम सिंह राणा किस आधार पर बोल रहे हैं. क्राइम आपका बढ़ता जा रहा है, गैंगरेप पाप के बड़े हैं. नंबर वन हरियाणा में नंबर वन पा गया गैंगरेप. छोटी सी आपकी जेलों में मोबाइल और मोबाइल, ये चीजें yes, आपकी yes, मिल रही हैं. सिस्टम सुधारने की बात कर रहे थे, क्राइम लेस प्रदेश बनाने की बातें कर रहे थे. छोटी मोटी आप छोटी मोटी हम वही कर रहे हैं, इनको छोटी मोटी घटना कहते. राव इंदर जी की बातें जितनी करते जाओगे आपको हर शब्द में कोई ना कोई बात मिलेगी. मैं तो स्वामी जी की बात से एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ. इन्होंने कहा जो कमी आ रही पैसे की उसको पॉलिटिकल बैन दे रहे हैं. उनको पता है मैं क्या कह रहा हूं और इसका क्या मतलब है, वो भी पता है उनको. ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं. बात अपने तरीके से घुमाने की कोशिश करें. भाईचारा बिगाड़ के इस प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया, तब तो इंद्रजीत जी कभी नहीं बोले किस गांव में गए, किस प्रदेश में गए, किस जिले में गए, कहीं नहीं गए. बातें बड़ी बड़ी इनसे करा लो. इन्होंने एक ही बात करना है. मैं तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की आज बात करूंगा, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो. कांग्रेस में सोनिया जी जो बात कहेंगे उस पर जाना ही जाना पड़ता है.
अरे यही नरेंद्र मोदी जी की बात है, भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं जो सही को सही कह दे। आज इंदर जी जी गुड़गांव के एटीएमओ में लाइन है, नवजोत जी आप हैरान हो जाओगी, एटीएम 10% गुड़गांव के नहीं चल रहे, बैंकों में एक घंटे में पैसा खत्म हो जाता है, लोग सारे सारे दिन बैठे रहते, रात रात भर बैठे रहते हैं, यहाँ कौन जाएगा? वहां सरकार का सिस्टम बनाने का काम है, सरकार ने वो सिस्टम बनाना चाहिए, उल्टी सुलटी बात करके बुरगलाना नहीं चाहिए। और भाईचारा बनाने की इतनी हिम्मत थी तो उस समय कहां से ले गए थे? जब प्रदेश जल रहा था, जब लाइनों में लोगों की डेथ हो गई है और सौ से ज्यादा इस देश में एक दूसरे प्रदेश का भाईचारा बिगड़ा जब 30 से ज्यादा मौतें हुई, प्रदेश में ओलावृष्टि हुई, आप मानोगे नहीं, किसानों ने आत्महत्या इस प्रदेश में पहली बार इतनी ज्यादा हुई है जो 40 से ज्यादा थी। मैं तो कह रहा हूँ हर कोई काम लेती है भारतीय जनता पार्टी, मौतें क्यों होती हैं? कोई जवाब तो देके दिखा दीजिए। ये एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए। ऐसे भी इंसिडेंट आए हैं जहां पर लाइनों में खड़े लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई और कई बार लोगों ने, वहां खड़े लोगों ने भी उसकी हेल्प नहीं की, ये सोच के कि हम लाइन से निकल गए तो हमें दोबारा से लगना पड़ जाएगा, हमें पैसे नहीं मिलेंगे। वहां भाईचारा कहां गया? भाईचारा कौन से भाईचारे की हम बात कर रहे हैं? कई बार तो लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड नजर आए हैं, उन्होंने अपनी इमोशंस तक को खत्म कर लिया, क्योंकि उन्हें जो 4 घंटे से लाइन में लगा उसे दिख रहा है कि भैया मुझे पैसे निकाल के अपने घर का खर्चा पूरा करना है। यहाँ तक के इंसिडेंट्स देखें तो हम कौन से भाईचारे की बात कर रहे हैं? उम्मीद किए की जाती है जब आप ऐसे इंपॉर्टेंट ओहदे पर बैठे हो, आप ऐसी बात कीजिए कि लोगों के दिलों को थोड़ी सी तसल्ली मिले। आप पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए, मैं वही उसी पर आ रही हूँ कि देखिए परेशानियां आ रही हैं, इससे बिल्कुल मैं नहीं करें, कुछ भी करें तो परेशानियां आती है, सब कुछ स्मूथ तो नहीं जा सकता, और जो घटनाएं घटित हो गई हैं कोई ऐसी अगर वो अगर ये कहते हैं कि आपस में मदद करो, कोई परेशानी आ रही है तो आपस में भाईचारा अपनाओ, मदद करो, एक दूसरे की सहायता करो। भाईचारे की मैंने बहुत सारी आपको तस्वीरें दिखाई है, इंसिडेंट बताए हैं, कोई भी भाईचारा नहीं है वहाँ। अगर एक बैंक मैनेजर ने किसी की क्रिमेशन के लिए अपनी जेब से पैसे दिए वो भाईचारा नहीं था, वो मजबूरी थी, उसे दिख रहा था कि मुझे इंसानियत के तौर पर इसकी मदद करनी है। वो हम वैसे भी करते अगर किसी को एक्सीडेंट में देखते हैं, वो भाईचारा नहीं है। प्लीज आई एम सॉरी टू से, इस बड़ी स्टेटमेंट का मुझे जवाब समझाइए। देखिए गरीब के पास काला धन नहीं है, किसानों के पास काला धन नहीं है, नोटबंदी गरीबों और किसानों के लिए नहीं है, धन्ना सेठ लोगों के लिए हुई है, जिनके पास काला धन है तो इन लोगों के लिए हो जाएंगी। अनाज देने से अल्टा पलटी मदद करने से क्या शादियां हो जाएंगी परिवारों में? बीमार आदमी का इलाज हो जाएगा? बच्चों की स्कूल की फीस जमा हो जाएगी? वो तो वैसे ही लोग एक दूसरे का, साधारण लोगों की शादियां होंगी, लेकिन जो बहुत दिखावा करते थे काले धन का प्रयोग करके उन्हें जरूर अड़चने आ रही है। जिनके बैंक में एक नंबर का पैसा, जो अपना पैसा खर्च करने आ रही है, देखिए वो तो गडकरी जी ने शादी करी है बहुत बड़ी, जो बड़े बड़े लोग बाहर से पहुंचे हैं ये कह रही है वो दिखावे की शादियां नहीं है, तो क्या है इतनी बड़ी बड़ी शादी? किसी की शादी में कोई बाहर का आ गया तो वो गलत हो गया, वाह वाह, तो बड़ी बड़ी शादियां, 20-30 हजार आदमियों की शादियां करते हो आप, कहां से आ रहे हो? शादी में छोटे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, कोई दो ही बात होती है, एक इंसान के किसी ना किसी एक इंसान के जीवन में खुशी होती है या गमी होती है? इस सरकार ने गमी को ज्यादा बढ़ाया और खुशी को माइनस किया है। जहाँ शादियों का माहौल होता है, जहाँ खुशी की बात होती है, वे लोग दुखी हैं। आपने उन लोगों के घोटाले खड़े वो सब हो नहीं रहे, और जो जहाँ मौत हो गई दिख रहा है आपसे, हमारे यहाँ पानीपत का एक दिखाया था आपने, पानीपत का एक डेथ हो गई, उसका हस्बैंड जो है वो लाइन में लगा रहा और पड़ोसी उसका दाह संस्कार कर दिया और उसके पैसे नहीं मिले, तो इससे ज्यादा शर्म की बात बीजेपी के लिए और क्या है? डूब मरने की बात है। अगर इतने लोगों को परेशान किया है, मैं समझता हूँ कोई फर्क खुशी नहीं है। जब से हरियाणा में ये सरकार बनी है, एक मिनट खजान जी, अब थोड़ा सा सीपीएस सराना के बयान पर भी आ जाए, वो कितना जिम्मेदार, मैं उसकी भी जरा ऑब्जर्वेशन आप अपनी बता दीजिए, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है?
उन्होंने ये तो उन्होंने उन्होंने क्या उन्होंने ये कहा है कि हम जो है इसमें हथियार रखेंगे या हम इसमें मोबाइल रखेंगे, ऐसा तो कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि इन पर हम रोक लगाएंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो रोक लगाएंगे, ऐसा हो गया ना। आपने बयान सुन लिया, दोबारा सुना, अगर उन्होंने ऐसा कह दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी पार्टी ऐसा कह रही है। तो उनको अगर क्या होता है, ये अगर क्या होता है, ये अगर एक मिनट एक शख्स के बयान से आप पूरी पार्टी का बयान थोड़ी ले सकते हैं कि ये पूरी पार्टी का बयान है। उन्होंने बोला कि कोई अंदर फेंक गया, उन्होंने बोला तो आप पहले मेरी बात हाँ बताइए, या तो आप ये बोलिए कि जो श्याम सिंह राणा ने कहा वो बिल्कुल गलत है, या आप कह दीजिए जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है। और उन्होंने क्या कहा कि कोई मोबाइल अंदर फेंक गया या अंदर किस तरह मोबाइल पहुंच गया किसी कारणवश जो भी गलत हुआ अगर हुआ तो उन्होंने कहा कि इस पर हम रोक लगाएंगे। छोटी मोटी बात है ये कहा उन्होंने, ये छोटी मोटी घटना है, हमारे आप सुनते हैं कहा चलिए स्वामी जी शायद हमें बेहतर इंटरप्रेट करके बता सके, मेरे को बीजेपी प्रवक्ता की इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं है। देखिए ये तो उनका इस तरह का बयान देना एक तरह से जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक तरह से बढ़ावा देने का है कि भाई छोटी मोटी बात है आप फेंक जाइए आप यूज कर लीजिए, और सब जानते हैं कि जेल में मोबाइल से क्या होता है, लोग जेल में बैठे बैठे जो है सुपारी देते हैं, मर्डर कराते हैं, चोरियां कराते हैं, सारा जो क्राइम है वो वहां से चलाते अभी हैं। आपने जेल ब्रेक जो हुआ पंजाब में उसके बाद कितना कुछ निकल कर सामने आया, इसीलिए ये है कि जेलों में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये सभी सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि आज इतनी टेक्नोलॉजी है कि जेल में कोई भी अगर कॉल करेगा जेल में से तो आप उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि भाई जेल में से फोन है, आप फोन कैसे पहली बात पहुंच रहा है आप उसको लाइटली लें, और दूसरा वो फोन पे बात कर रहा है और आपको बाद में फिजिकल सर्च की क्या जरूरत है। अरे आप जब फॉलो करते हैं तो आपको मालूम है जो जैसे अबडक्शन हुआ तो वो पुलिस ट्रैक करती रहती है उसको कहां कहां से कॉल कर रहा है, तो जेल में से कॉल कर रहा है आप उसको नहीं पकड़ रहे हैं, थोड़ा डिटेल हो गया बात बात में, जहां जेल की सिक्योरिटी पे कर ही नहीं रही हूं अभी। नहीं वो बयान तो गलत ही है, वो तो मैंने कहा ना, वो एक तरह से उस बात को लाइटली कह के वो ये कह रहे हैं कि भाई फेंक जाइए कोई बात नहीं है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, नहीं बिल्कुल है, जब आप एक पोजीशन पर बैठे हैं वो किसी भी पार्टी के नेता नहीं गलत बयान किसी भी सरकार के नेता हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठ के अगर इतना इररिस्पॉन्सिबल बयान देंगे तो आम जनता आपसे क्या उम्मीद करेगी कि आप करेंगे क्या सिस्टम बनाने वाले अगर बयान। मेरा तो सवाल ही है वो कोई भी पार्टी का नेता हो इनेलो हो, इसमें मैसेज बिल्कुल साफ है उनका कि जो अंदर है और जो बाहर है उनके लोग कि भाई फेंक जाओ मामूली बात है फेंक जाइए छोटी मोटी घटना, हमारे पास इतना वक्त तो ये मैसेज गलत गया है इसलिए ये बयान गलत है। बताइए अनु जी मैसेज गलत है ना, नहीं मैसेज गलत है सामने आया, और मेरा वो सवाल नहीं है प्लीज अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन, बोल ऐसा क्यों रहे हैं, मेरा सवाल नहीं क्या है, मुझे सिर्फ ये बताइए मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मुझे ये ना बताइए कि जेल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कितनी सिक्योरिटी हुई क्या बीफ अप क्या, मैं उस पे जाना ही नहीं चाहती, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि सीपीएस श्याम सिंह राणा के लिए ये छोटी मोटी घटना या कोई भी नेता जब इसे छोटी मोटी कह देता है तो बढ़ावा छोटी होती है क्या, इतना छोटा मुद्दा होता किसी है? भी बात को छोटा तो मानना ही नहीं चाहिए, तो यानी बात उसको तो माना नहीं चाहिए, पर उन्होंने बोला कि डू यू अग्री जो बोला है उसको मैं गलत कह रहे हैं, डू यू अग्री, ये मैं आपको आपको यूनिवर्सल उसे बता रही हूँ कि हर हर चीज को बारीकी से देखना चाहिए, सीपीएस राणा गलत कह रहे हैं, सीपीएस राणा ने जो बयान दिया है उसको अब किस तरीके से कैसे पुट अप हुआ है, तरीके से पुट अप कर लीजिए ना आप अपने तरीके से पुट अप करके बताइए, उन्होंने तो बोला है ये सब जय 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 क्यों हुए तो सब पता है ना, करेंगे नहीं फेंकेंगे छोटी मोटी घटनाएं होती तो तहकीकातें क्यों होती है, मेरा मुद्दा ये नहीं है, उन्होंने जो बयान दिया उस पर बात हो रही है, हरियाणा की जनता और आम इंसान जानना चाहता है कि जिन्हें वोट देके जिन नेताओं को वोट देके वो 5 साल सत्ता में और कुर्सी पर बिठाते हैं वो ऐसी घटनाओं को छोटी मोटी घटनाएं कैसे बता सकते हैं जो कि आम इंसान की जिंदगी को इम्पैक्ट करती है, इतना गैर जिम्मेदारान बयान वो कैसे दे सकते हैं when they are sitting on a responsible position, I want to know that. कोई भी घटना जो अपराध
अपराध को बढ़ावा दे वो छोटी होती नहीं है। बेटर ये तो मैं कहती हूँ। पर उन्होंने क्या कहा कि श्याम सिंह राणा ने गलत कहा? मैंने ऐसा भी नहीं बोला, मैंने ये भी नहीं बोला, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते। ये वर्ड सही नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते। बीजेपी के नेता ये कहते हैं, वो बोलूंगी जो आप कहोगे। अच्छा सुनिए, श्याम सिंह राणा ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, राव इंद्रजीत ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता अपना इंटरप्रिटेशन हमें बता रही है। आपके जो मीडिया के हेड है अमू, उन्होंने राव इंद्रजीत के बयान को कहा कि बिल्कुल गलत है, तो यानी सब सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन। जी मैं तो एक बात देख रहा हूँ, ये पार्टी अजीब पार्टी होती जा रही है। पहले दिन से जितनी डिबेटें हुई हैं किसी सवाल का आपको सीधा जवाब नहीं मिला होगा। हम बार बार पूछते हैं इसका बताओ क्या क्या है, कई बार ये फंसते हैं तो कहते हैं निजी बयान है। मैं कह रहा हूँ इतने बड़े ओहदे पर होते हुए निजी बयान कैसे हो सकता है? वो सभी पार्टियां कहती हैं। नहीं सभी नहीं कहती, फर्क है। मैं तो कह रहा हूँ आज ये पार्टी पावर में है, नहीं फर्क है, हर चीज का फर्क है। आप किसी चीज का जवाब मेरे से मांगो, मैं आज नहीं दूंगा जवाब का, कल जरूर देके जाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। मैं तो इस पार्टी के अजीब बातें हैं, जवाब दे ही किसी की भी नहीं है और इनके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, ये देखना ही। ये पहली पार्टी है इनके खिलाफ कुछ ही नहीं होता, कोई बात ही नहीं रखता, जो कह जाता आगे निकल जाता है, पीछे क्या हो रहा कोई नहीं पूछता। अगर आज तक भी किसी के खिलाफ कोई बात हुई हो तो एक बता दो, राणा जी ने क्या कहा ये सारा प्रदेश जानता है। मैं फिर कह रहा हूँ क्राइम में एक नंबर, गैंग रेप में एक नंबर, फिर इस तरह की बातें करते हैं। मैंने आपके कार्यकर्ता कहीं माइक लेकर पूछते ना देखे नागरिकों से कैसे हो। क्राइम का तकरीबन जो क्राइम की घटनाएं घटती हैं आप देश ज्यादा घटनाएं जेल से ही चलती हैं, अगर वहाँ आप कंट्रोल कर लो। स्वामी जी सही करें, आज टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर निकल चुकी है, खुद जेल में बैठी है, बंगारू लक्ष्मण हमारी पार्टी में नहीं है, बंगारू लक्ष्मण हमारे नेता जेल में क्यों बैठे हैं, क्या उन पारों पे शायद आपको पता है। छोटे से ब्रेक के लिए, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, प्लीज प्लीज वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन 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 इम्पोर्टेंट है, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि मुझे इसमें नहीं उलझना कि कोई जेल में किस वजह से बैठा है, मेरा मुद्दा वो नहीं है। अहम सवाल जो हर एक आम इंसान उसके जहन में ये सवाल उठता है कि जिन्हें वोट देके सत्ता का सुख भोगने के लिए 5 साल वो सत्ता की कुर्सी पर बिठा देते हैं, वो इतनी बड़ी बातों को इतने छोटे तरीके से बयान देकर लोगों को क्या समझाने की कोशिश करते हैं, ये है मेरे मुद्दे का आज बड़ा सवाल। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। कि लोग आज के दिन उधार से भी काम चला रहे हैं, घर नहीं है अनाज तो पड़ोसी दे देता है, साथी दे देता है, दोस्त दे देता है, तो मैं समझता हूँ भाईचारा भी इससे बढ़ रहा है। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना, मेरी वजह से आपके साफ-सफाई क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुददार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यू ही टेंशन लेता हूँ, लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की, कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में ताकत लाए माइलेज बढ़ाए एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन, यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक झज्जर रोड बहादुरगढ़। The ultimate truth of the profound Indian philosophy and the universal source of goodwill and inspiration is the song Celestial Gita. And now the birthplace of Bhagavad Gita, Kurukshetra, will be resplendent with the colors of enthusiasm, discourses on world peace, and an unforgettable confluence of arts and faith.
भूमि की विशेषता देखिए, युद्ध के मैदान में भी जीवन के आदर्शों का तत्व ज्ञान परोसा जा सकता है। कम Witness the mega celebrations during the Geeta International Festival. We extend a heartfelt welcome to all of you. Sangwans Defense Academy. Air Force और Navy में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर Navy, Air Force और Army में देख रहे हैं। केवल Navy, Air Force, Army पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है जैसे अमर ज्ञान से दुनिया को महकाएंगे, अपनी विरासत को विश्व के हर कोने में पहुंचाएंगे। है धर्म क्षेत्रीय, कुरु क्षेत्रीय, जन जन को बसलाएंगे गीता जयंती का उत्सव मिलजुल हम। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में 6 से 10 दिसंबर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन में आप सब आमंत्रित हैं। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए, एराबॉल लुब्रिकेंट्स इंजन में भर दे दम। कि लोग आज के दिन उधार से भी काम चला रहे हैं, घर नहीं है अनाज तो पड़ोसी दे देता है, साथी दे देता है, दोस्त दे देता है, तो मैं समझता हूँ भाईचारा भी इससे बढ़ रहा है। बड़े सवालों के साथ आज मुद्दा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेता, कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता, किसी भी पोजीशन पर जब वो एक अथॉरिटी के साथ बैठा होता है, जब वो एक गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो उसके क्या मायने हैं। ये बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल जैसे आपको शुरू में कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार एक बुरे टाइम में फंस गई है, इस सेंस में कि लोगों की आदतें बदली नहीं, पैसा आपके पास है नहीं
और आप दे भी नहीं पाएंगे। और जैसा मोदी जी ने कहा भी है कि मैं धड़ाधड़ नोट नहीं छापने वाला हूँ, तो आपको ई इकोनॉमी पे, ई मनी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम बयान को देखते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप सरकार की तरफ से बयान देखें तो ये बयान ये है कि भाई बुरा टाइम है, मिलजुल के हमारी मदद करो, एक दूसरे से काम चलाओ। जैसे हमारे पड़ोस में आए, उन्होंने कहा जी 2000 रुपए हैं, बैंक मैनेजर रहते हैं, उन्होंने कहा मुझे दे दो, मैं 100-100 के नोट दे देता हूँ। वो निकलवा के लाए थे तो उन्होंने मदद कर दी। या एक ड्राइवर गाड़ी में हम जा रहे हैं, वो किसी को फ़ोन कर रहा है, यार बच्ची बीमार है, 10 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, 1000 रुपए दे दो। तो सरकार का ये एंगल है। दूसरा ये है कि जब कोई पॉलिटिकल लीडर बोलता है तो पार्टी में उसका कटाक्ष भी है कि भाई आपने ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया, अब लोग उधारी से ही काम चला रहे हैं। लेकिन एक अच्छी इसमें भाईचारा हुआ है, वो मैं मजाक के रूप में कह रहा हूँ कि पुलिस वालों का और ट्रैफिक वायलेशन वालों का अच्छा भाईचारा हो गया, उन पे पैसे नहीं हो गए तो जा। लेकिन अच्छा भाईचारा हो रहा है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अगर हम एक संजीदा तौर पे बात करें, जब एक मंत्री एक जिम्मेदार पोस्ट पर, तो उनको पॉलिटिकल भी गवर्नमेंट दोनों एंगल से सोचना चाहिए, तो आपको समझने की जरूरत है। अब जब आप कटाक्ष की बात कर रहे हैं तो राव इंद्रजीत यहाँ अपनी सरकार पर कौन सा कटाक्ष करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम राव इंद्रजीत का बैकग्राउंड देखने की कोशिश करें, कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी हसरतें वही थी, निगाहें चंडीगढ़ पर थी और कुर्सी मुख्यमंत्री की थी, और उसके बाद जनाब का पोर्टफोलियो भी बदल दिया गया और तब भी सबने ये कहा कि इनकी फ्रस्ट्रेशंस निकलकर बाहर आ रही हैं। तो अब कटाक्ष करके अपने कौन सी दिल की भड़ास निकालने की राव इंद्रजीत कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये समझ से परे है। क्योंकि जब आप भाईचारा बढ़ाने की बात करें और वो भी ऐन वक्त पर, आप इतने संजीदा मुद्दे पर संजीदा तरीके से ही बयान दे सकते हैं जिसके 10 मतलब ना लोग ना निकाले बल्कि एक मतलब निकले, जबकि आपके प्रधानमंत्री हर रैली में हर मंच पर खड़े होके हुंकार भर के सब को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दलवीर नवजोत जी, राव इंद्रजीत जी के बारे में फिर कहता हूँ, जितनी बातें करोगे थोड़ी पड़ेगी। निगम बनाने में वाह वाह लुटी इस आदमी ने, बाद में कह रहे निगम से काम नहीं चलेगा गुड़गांव का, जिस तरह का हम जनरेट करते पैसा यहाँ, हम आप इसको जीडीए बनाएंगे ताकि यहाँ का पैसा यहीं लगे। तो नजरें जो हैं सीएम की कुर्सी पर, इसमें कोई शक नहीं, पिछले 5 साल निकाल दिए, 5 साल पुराने सीएम के साथ रहे, अगले 5 साल गाड़ियां बचते रहे, फिर भाजपा में गए तो इसी नजर से गए थे, आपको ध्यान होगा। इसमें टोटली नुकसान गुड़गांव और दक्षिण हरियाणा का हुआ है, कोई काम ये व्यक्ति 50 साल से करवा नहीं पाए इस प्रदेश में, इस दक्षिण हरियाणा में, अगर करा तो एक काम गिन के दिखा दो। आज मैं बात करताना चाहूंगा, 71% की बातें यही व्यक्ति करते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारा पैसा रोहतक में लगा दिया, ये व्यक्ति बात चुनाव लड़के आए थे, आज क्या हो रहा है गुड़गांव के साथ, वो की वो स्थिति है, यहाँ का पैसा पूरे प्रदेश में लुटाया जा रहा है, ये रोक नहीं पा रही इस बात को। तो किस पर मैं मुद्दे पर आया हूँ, बातें इतनी लंबी लंबी क्यों करते जब कुछ कर ही नहीं सकते? एक दिन एक बयान दे दिया था गलती से, दो कोड़ी के बाबू चंडीगढ़ में बैठ के हमारे पैसे का हिसाब रखते हैं गुड़गांव का, शाम होते होते पलट गए और कह दिया मैं तो पुरानी सरकार के लिए कर रहा हूं। अरे पुरानी सरकार तो गए, बहुत मुद्दत हो गई, आज की बातें करके पलट क्यों रहे हो आप? पलटने में माहिर हैं। इत्तेफाक रखते हो, राव इंद्रजीत को छोड़ दे, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि उधारी से भाईचारा बढ़ रहा है इन हालात? नवजोत जी बिल्कुल, राव इंद्रजीत कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। नवजोत जी मैं तो एक बात और पूछना चाहूंगा इंद्रजीत जी से, आज ब्याह शादियों का टाइम है, हारी बीमारी हर घर में है, राव इंद्रजीत ने कितना पैसा किसको दे दिया? एक बात तो बता दें, प्रवक्ताएं बैठे, मैं तो कह रहा हूं अपने प्रवक्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं से सवाल का जवाब पूछ के तब यह बैठा करो, ताकि आप जवाब दे सको मैं किस साथी में राव इंद्रजीत ने उधारा दे दिया। दाल देखो, मैं फिर कहता हूं प्रदेश का भाईचारे में दाल चावल अनाज अनाज का लेन देन, अनाज का लेन देन भाईचारे में चलता रहेगा। पैसे कहां से आए? पैसे की बात करो, पैसे आप दे सकते हो एक बीमार को, पैसे आप दे सकते हो जिसके घर में शादी है, पैसे आप दे सकते हो जिस बच्चे की फीस भरनी है, बात पैसे की करो, खाने पीने की बात नहीं हो रही। ओके अनु, जल्दी से सुन लीजिएगा, कंप्लीटली सुन लीजिएगा प्लीज। हमारे जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है सुरेश पालमू जी, उन्होंने भी ये बात बोली है और पूरी सुन लीजिएगा, अदरवाइज मीनिंग चेंज ना हो जाए। ये बयान की उधारी की का भाईचारा, इससे तो
कोई भी इंसान सहमत नहीं होगा, लेकिन जो उन्होंने बोला उनका तात्पर्य ये वाकई नहीं था। उनका तात्पर्य था कि भाई शांति से काम लो, आपस में भाईचारा, एक दूसरे की मदद करो, कोई परेशानी होती है तो मदद करो। और रही बात उधारी की, देखो उधारी तो किसी भी टाइम किसी को किसी की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा मैं बोल रही हूँ कि उधारी का जो है यही एक कारण उधारी है, उधारी का यही एक कारण बन के आ रहा है नोटबंदी, या जो है उनका बयान जो आप रिलेट कर रहे हैं वही एकमात्र कारण है, ऐसा नहीं है। उधारी तो के पहले भी कोई किसी से लेता आया होगा, आगे भी कोई किसी से ले सकता है, ये एक नॉर्मल जो है लोगों का लेन देन होता है आपस में। लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना या इसको जो एक अभियान शुरू किया है देश के लिए गरीबों के लिए, राजनीतिक लोग तो राजनीतिक बयान मुद्दा बनता है, राजनीतिक लोग जब भी कोई राजनीतिक बयान देंगे नहीं ना, वो मुद्दा प्रवक्ता कह रही है गरीबों के लिए क्या, गरीबों के लिए क्या कर दिया कोई, हमने देखा अपने लाइन में क्या हुआ, गरीबों को कोई दिक्कत हो रही है, मोटे तौर गरीबों को रही है जो आप लोगों ने कभी नहीं बनाई। प्लीज देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये उन्होंने जो कटाक्ष किया है उसकी एक वजह है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जुगल जोड़ी है, उन्होंने एक और हिसाब मांग लिया इनसे, एमपी से और मंत्रियों से और अपने एमएलए से, उनसे भी हिसाब मांग रखा है, उसकी वजह से इनकी फ्रस्ट्रेशन है, उसमें ये कटाक्ष कर रहे हैं भाई, ये भाईचारा बनाकर अपना इस तरीके से जो परेशानियां हैं उनको बांट लो, लेकिन इस तरीके से परेशानियां बढ़ी हैं, लाइनों में लोग झगड़ रहे हैं, महिलाएं झगड़ रही हैं आपस में, झगड़ा करवाया जा रहा है, और ये सारा इनके कुशासन की देन है, नरेंद्र मोदी और जो अपने अमित शाह हैं उनकी जुगल जोड़ी, उनका ग्रुप एक ग्रुप बीजेपी में, बीजेपी का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को भी और पूरे देश को बंदी बनाकर जिस तरीके से देश का बेड़ा गर्क कर दिया, मैं समझता हूँ 10 साल तो पीछे जा चुका है देश, और 100 से ज्यादा आदमी अब तक मर चुके हैं, 100 से ज्यादा आदमी अब तक मर चुके हैं, ये कटाक्ष नवजोत, ये कटाक्ष है, ये कटाक्ष है उनका, और कटाक्ष है कुशासन पर, ये कटाक्ष है प्रधानमंत्री के कुशासन पर, उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं। नवजोत जी, भाईचारा ये होता है, वक्त की कमी है, प्लीज मेरे को फाइनल कमेंट्स चाहिए, और फाइनल कमेंट्स ये है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जब आप एक जिम्मेदार जगह पर बैठे हो, आपके नेता हो या किसी और पार्टी के नेता हो, उन्हें कोई भी बयान किसी भी मुद्दे पर बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान अगर आप देते हैं तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं। खजान जी, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है, और जले पर नमक छिड़कने जैसा बयान है, जो जनता दुखी है परेशान है उनको और उनके जख्मों पर नमक लगाने जैसी बात है, नमक छिड़कने जैसी बात है। आज आम जनता भाईचारे की बात की और उससे कोई भाईचारा नहीं, कोई भाईचारे की बात नहीं है, भाईचारे की तो कहीं नजदीक दौरे भी नहीं है। अगर कोई बात ही करनी थी तो कोई संदेश देते सरकार का, भाई इस तरह से करो, आज हालात खराब है देश के, हमारी वजह से हालात खराब हो गए हैं, इसको थोड़ा टॉलरेट करो। और संदेश और भाईचारा देखना है तो बहन जी मेरे साथ लाइन में चले, एक व्यक्ति अगर बीमार लाइन में खड़ा है वो कहेगा भाई मैं 2 घंटे के बाद आऊंगा, मेरे को यही लाइन में यही जगह दे दोगे, अगर दे दे तो बहन जी दिला देंगे, तो भाईचारा बढ़े मना, इससे भाईचारा टूटा है लाइन में, आप जाके देखो लोग कैसे झगड़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। वो कह रहे पहले मैं आया था, वो कह रहे मैं आया था, अगर व्यक्ति आप बदलते हो वो कहता मेरा भाई आ गया मेरी जगह, बोला नहीं तन खड़ा रहना था रे, नहीं तो भाई को नहीं लगने देंगे, ये हालात हो रहे, ये भाईचारा बढ़ा नहीं रहे घटा रहे। अनु चौधरी, मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपकी पार्टी सत्ता में, और जब आपके नेता या मंत्री या कोई भी किसी अहम मुद्दे पर बयान देता है तो बहुत ही सोच समझकर बयान देना चाहिए कि उसके क्या मायने निकलते हैं और क्या संदेश जाता है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, सभी को ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इट्स नॉट नेता एनीबॉडी, सोच समझकर ही बोलना चाहिए, बयान सोच समझकर देना चाहिए कि आगे वाला कोई गलती से भी गलत मीनिंग ना निकाल ले, लेकिन निकाल लिया जाता है क्योंकि सबकी अपनी मानसिकता है, सबका अपना अनुभव है, अपना सोचने का तरीका है, हाउ यू कंसीव द थिंग्स, हाउ यू टेक इट, दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सन। बिल्कुल, मैं आपसे इस बारे में सहमत हूँ कि जब भी कोई बड़े नेता या बड़े पदों पर बैठे लोग हैं जब वो बयान देते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि उस बयान के कौन लोग क्या क्या मतलब निकालेंगे और जो उनका उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे एक पहलू बयान का ये निकला कि भैया एक दूसरे की मदद कीजिए, दूसरा पहलू पार्टी में ये निकला कि भैया भूखा मार के खड़ा कर दिया है अब मदद से उधार से काम चलाओ, तीसरा पहलू ये भी है कि भाई लोगों पे तो जेब में रुपए नहीं है और लोग कह रहे हैं हमसे कह रहे हैं भाईचारा करके बांट के खा लो, अरे रुपए दो तो बांट के खाएंगे ना,
तो इसलिए जब भी कोई व्यक्ति बयान दे, लेकिन ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, हर आदमी उसको अपने ढंग से देखता है। तो नेता का काम ये है कि वो बयान देते समय इस बात का ध्यान रखे कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या उनको लोगों को ऐसा नहीं लगे कि यार हमारे पास तो खाने को नहीं, आ गए भाषण देने के लिए। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, उससे समाज में गलत मैसेज जाता है और छवि भी सरकार की पार्टी की खराब होती है। बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन इसके साथ एक और भी सवाल जुड़ा है कि क्या आप सत्ता के नशे में इतने 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 सर पे आपके सत्ता का नशा चढ़ जाता है कि आपको हर चीज छोटी छोटी नजर आती है और आपको लगता है कोई बात नहीं, बयान दे दो, उससे कोई फर्क नहीं, अगर वो अगर फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर मोबाइल छोटी चीज होती तो जेल में बंदी क्यों करते? मोबाइल जेल में अलाउड नहीं है तो बड़ी चीज है ना। अब आप उसको कहोगे फेंक गया, छोटी बात है, तो ये तो आप मतलब आपका मैसेज ही आपने बिल्कुल चेंज करके दे दिया, गलत मैसेज। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कहा था अगर लाइनों में झगड़े होंगे, दंगे होंगे गलियों में, और वो बात अब सच सच साबित हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑब्जर्वेशन गलत नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन जिस तरीके से जब ये केस उनके सामने पुट अप हुआ तो ये ऑब्जर्वेशन थी, गलियों में दंगे होंगे, झगड़े होंगे और सरकार इस पर क्या करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अहम बात यही है कि जब आप एक जिम्मेदार जगह पर बैठे हैं तो उतनी ही जिम्मेदारी से आपको बयान देना होगा, जिससे कि जो बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या कहना चाहते हैं वो सही पहुंचे। अगर आप जिम्मेदारी से संजीदा तरीके से एक संजीदा सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं तो यकीनन आवाम को ये सोचने की जरूरत जरूर पड़ जाएगी कि क्या उसने सही वोट देके आपको सत्ता की कुर्सी दी है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार। कि लोग आज के दिन उधार से भी काम चला रहे हैं, घर नहीं है अनाज तो पड़ोसी दे देता है, साथी दे देता है, दोस्त दे देता है, तो मैं समझता हूँ भाईचारा भी इससे बढ़ रहा है।